का डेली न्यूज 360.com में पेश है असम की बड़ी खबर। एनआरसी के मुद्दे पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें 31 दिसंबर पर टिकी हुई हैं, जब लाखों लोगों की किस्मत का फैसला होगा। जी हां, असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को भारत की नागरिकता दिए जाने का मुद्दा एक अहम पड़ाव पे पहुंचने वाला है। एनआरसी के पहले ड्राफ्ट की घोषणा होने वाली है। इसके साथ ही यह तय हो जाएगा कि 31 दिसंबर के बाद भारत में रह रहे लाखों मुसलमानों को लेकर जो संशय बना हुआ है कि वह भारत के नागरिक है या नहीं, इस बात का भी फैसला हो जाएगा। एनआरसी से उम्मीद जताई जा रही है कि असम में अवैध प्रवासियों के मुद्दे को हल करने में मदद मिलेगी। राज्य की कुल आबादी का एक तिहाई हिस्सा मुसलमानों का है, जिसमें 90% मुसलमान प्रवासी हैं और बांग्ला बोलते हैं। उन पर बांग्लादेशी होने का धब्बा लगा है, इसे मिटाने में भी एनआरसी उनकी मदद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बांग्ला बोलने वाले हिंदुओं के असम में आने को लेकर कोई विवाद नहीं है। कहा जा रहा है कि एनआरसी से उन्हें फायदा ही मिलेगा। भाजपा सरकार पहले से नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने की कोशिश कर रही है, ताकि 1971 के बाद असम की सीमा में घुसे हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिल सके।